जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग सी ए फाइनल एफ आर का मई 22 एग्जाम के अंदर में जो पेपर आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें हम कई सारे ऐसे आर टी पीज, एम टी पीज, पास एग्जाम क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग लेते रहते हैं। ये सारे वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे। टेस्ट योर नॉलेज की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर किसी को फास्ट ट्रैक बैच परचेज करना है तो हमारी फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 140 आवर्स की बैच है, जो लाइव हम लोगों की क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग है, आप लोग वो भी परचेज कर सकते हैं। तो पेपर एनालिसिस की बात करते हैं कि भाई ये पेपर कैसा था। तो अब तक हम लोग पिछले तीन अटैम्प्ट से अगर कंपेयर करें तो पिछले तीन अटैम्प्ट के कंपेरिजन में ये पेपर ईजी आया। दो रीजन्स है, एक जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कम रखा गया, दूसरा 81 मार्क्स ऑफ पेपर सीधा अगर मैं आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस बोलूं, यानी मेरा जो कंपाइलर है आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस का है, उसमें से प्योर 81 मार्क्स थे। ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि जैन 22 जो मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया उसके अंदर में इंस्टीट्यूट ने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस ऐड कर दिए थे टेस्ट योर नॉलेज के साइड पे, तो एक्सपेक्टेड था कि वो क्वेश्चंस तो आएंगे। रफली आप कोई भी अटेम्प्ट उठाएंगे तो 50 मार्क्स आरटीपी एमटीपी से वैसे भी आता है, 50 आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस, इस बार 81 मार्क्स था और 30 मार्क्स वाज न्यूली एडेड क्वेश्चंस इन आरटीपी एमटीपी इन टेस्ट योर नॉलेज जो आरटीपी एमटीपी से थे। तो इस अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड भी था कि हाँ काफ़ी क्वेश्चन वैसे भी आएंगे और आए भी। क्या पेपर लेंदी था? तो हाँ, एफ आर का पेपर हमेशा ही लेंदी होता है, पर पिछले तीन अटेम्प्ट से अगेन मैं अगर कंपेयर करूँ तो वो लेवल पर लेंदी नहीं था। यानी इस बार ऐसा हुआ कि मैं बोल सकता हूँ कि रफली 50% स्टूडेंट्स के लिए मैनेजेबल था 90 मार्क्स के ऊपर सॉल्व करना, पर 50% स्टूडेंट्स अभी भी नहीं था। जैसे नॉर्मल एक रेशियो अगर मैं बोलूँ तो 80% स्टूडेंट्स का पेपर हमेशा छूटता है पार का, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स 100 मार्क्स का सॉल्व कर पाए। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर अब पेपर ईजी आया है तो चेकिंग कैसी होगी, तो क्या चेकिंग डिफ़िकल्ट होने वाली है? इस बार हम बोल सकते हैं कि एफ आर का पेपर, एस एफ एम का पेपर और थोड़ा बहुत मैं जिस पॉइंट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पॉइंट पे ऑडिट भी मुझे जिन लोगों ने बताया है कंपेरेटिवली पेपर ईजी आया है, तो यस इस अटेम्प्ट में चेकिंग डिफिकल्ट रहेगी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चेकिंग इस बार ईजी आने वाली है, लीनियंट आने वाली है, चेकिंग विल बी डिफिकल्ट। यानी स्टूडेंट्स के लिए अब सोचने की बात क्या है कि जिन स्टूडेंट्स के दोनों ग्रुप, जिन स्टूडेंट्स ने अभी दिया था, यानी दूसरे सेकंड ग्रुप अभी आप दे भी रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस पॉइंट पे वो वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मैं जब ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ आप सेकंड ग्रुप देने के बाद ये वीडियो देखेंगे। तो अगर आपका पेपर आपको लगता है कि नहीं यार रफली खराब गया है, खराब जाने का मतलब होता है कि मैंने जितना भी अटैम्प्ट किया उसमें से कम 30 मार्क्स में गड़बड़ हुई है, 30 मार्क्स में गड़बड़ हुई है, तो पढ़ाई वापस शुरू कर दीजिए मेरे हिसाब से एग्जाम तक, क्योंकि फिर क्या एग्जाम के बाद टाइम बहुत कम मिलता है, रिजल्ट के बाद टाइम बहुत कम मिलता है, तो बेटर यू स्टार्ट स्टडिंग अर्ली। अगर आपने सिर्फ एक ग्रुप दिया है फर्स्ट ग्रुप और आप सेकंड ग्रुप अभी देना बचा है तो सेकंड ग्रुप की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मन नहीं लगेगा उतने ध्यान से आप पढ़ाई नहीं करेंगे। और अगर आपका एक ही ग्रुप बचा है, ग्रुप वन, ग्रुप टू आप दे चुके हैं पहले, पास हो चुके हैं और ग्रुप वन ही दिया था एंड पेपर में गड़बड़ हुई है रफली 30 मार्क्स, पॉसिबिलिटी बहुत कम है 30 मार्क्स तक की गड़बड़ होना, 15-20 मार्क्स की गड़बड़ बहुत बच्चों की हुई है मैं जानता हूँ, 30 मार्क्स तक के गड़बड़ होना की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है ऐसे कंपेरेटिवली, पर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर पढ़ाई वापस से शुरू कर दीजिए, एफ आर की पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है, मेरा ये कहना है, ठीक है। बाकी इसके बाद तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने पेपर किया है आप आंसर देख के थोड़ा बहुत देख सकते हैं। सर इस अटेम्प्ट में स्टेप मार्किंग एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे भी स्टेप मार्किंग हार्डली देती थी इंस्टीट्यूट, इस अटेम्प्ट में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि आपको किसी तरह का कोई स्टेप मार्किंग मिलेगा। तो चलिए आइए फाइनली क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पेपर में कौन से पार्ट से, कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स आए हैं मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया है, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आया, कंसोलिडेशन नहीं, बिजनेस कॉम्बिनेशन से 15 मार्क्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन, बहुत पहले मई 18 में आई बिलीव ये क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद वापस से अब जाके इंस्टीट्यूट ने रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जे लिमिटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, के लिमिटेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैड टू रिमेंबर एवरी वन। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस भी फॉलो किए ना तो ये बात तो आप लोगों के दिमाग में तभी बैठ गई होगी कि यार यहाँ पे ना 100 रुपी का शेयर है और यहाँ पे 10 रुपी का शेयर है, मतलब इसके जो शेयर्स है वो है 4.5 लाख, 4.5 लाख इतने शेयर्स है आपके, ठीक है। अब जे लिमिटेड अक्वायर्ड 75% ऑफ द शेयर्स ऑफ के लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021 बाय इशूइंग शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड।
हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर इशू कर रहे हैं। यहाँ क्या गलती हो सकती है, अपन ने पावर पॉइंट बना के रखा है, पावर पॉइंट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परचेज कंसिडरेशन की अगर बात करें तो सामने वाले की 450 शेयर्स पहले तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 75%। ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में बहुत बार देखा है बच्चों को ये मिस्टेक करते हुए, 75% मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। बॉस अगर ये हुआ है तो गए मार्क्स, क्योंकि ये तो पहला ही स्टेप है, ये पहला ही स्टेप है। तो 75% हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर, हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर, ठीक है। आपके शेयर का फेयर वैल्यू 50 रुपीज़ है, तो मल्टीप्लाइड बाई 50, दिस बिकम्स योर परचेज कंसिडरेशन 112.5। ये हुआ आपका इनिशियल परचेज कंसिडरेशन 112.5। अभी 112.5 को ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में स्प्लिट कर दीजिए, क्योंकि बाद में बैलेंस शीट बनाना है और फिर गड़बड़ होती है बच्चों से। 50 रुपये में से 10 रुपये शेयर कैपिटल है, 40 रुपये शेयर प्रीमियम है, है ना, 10 रुपये और 40 रुपये उसे इशू में बांट देंगे तो 22.5 शेयर कैपिटल में जाएगा और 90 जाएगा शेयर प्रीमियम में। मैंने सब पहले से कैलकुलेट करके रखा है, मैं PDF आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब बोलता है फेयर वैल्यू दिया हुआ है, पहला वाला पॉइंट जाने दीजिए, पहला वाला पॉइंट जाने दीजिए। दूसरा पॉइंट बोलता है जे लिमिटेड एग्रीड टू पे एन एडिशनल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 45 लाख्स एंड 30% ऑफ एक्सेस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर एक्विजिशन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो बोलता है पिछले 12 महीने के कंपेरिजन में इस साल जितना एक्सेस प्रॉफिट होगा उसका 30%। अब वो आपको बोलता है कि इस बार एक्सपेक्टेड है 20 लाख का प्रॉफिट और पिछले साल हुआ था 15 लाख का प्रॉफिट, दोनों का बीच का डिफरेंस 5 लाख, 5 लाख का 30%, 1.5 लाख, और लिखा है हायर ऑफ, लिखा क्या है हायर ऑफ, तो हायर ऑफ में 45 लाख और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है, अरे पर बॉस हायर ऑफ का मतलब ये है कि मिनिमम 45 लाख तो देना ही है ना, इससे ऊपर अगर जाता है तो और देंगे, पर मिनिमम 45 तो देना है, हाउ इज दिस कॉन्टिजेंट, दिस नॉट कॉन्टिजेंट, तो 45 तो देना ही देना है ना बॉस, तो 45 को पकड़ लो आप लोग, तो 45 लाख्स, ठीक है। अब ये देना कब है, दिस एडिशनल अमाउंट इज ड्यू आफ्टर 3 ईयर्स। मुझे बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सअप किया था कि सर ये लाइन हम पढ़ना भूल गए, हमने पूरा 45 ले लिया। तो पहले तो जब ये क्वेश्चन हमने देखा था इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में तो एक रफ याद तो होगा कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में सॉल्व किया, बट रिटन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण ये गड़बड़ होती है, छूट जाता है, है ना। अब ये लाइन छूट गई तो क्या होगा, मैंने पहले कहा स्टेप मार्किंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप लोग, तो अगर ये गया है तो ये गया 15 मार्क्स, आप लोग भूल जाइए इस 15 मार्क्स को, ठीक है। देखिए कभी कभी बुरा लगता है कि अजीब लग रहा है और सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, एटलीस्ट एक होप तो दीजिए, फॉल्स होप देना भी मेरी तरफ से गलत हो जाएगा, तो वुड बी बेटर कि मैं आपको बोलूं कि नहीं यार ये पहला स्टेप है, आप PC निकाल रहे हो, आपका PC गलत निकल रहा है तो आगे पूरा का पूरा सम गलत हो रहा है, तो डोंट एक्सपेक्ट, ठीक है। तो 3 साल डिस्काउंट करना है आपको, आगे अगले पेज के ऊपर में डिस्काउंट रेट दिया गया है 10%, ये देखिए 10%, तो 10% के हिसाब से हमको डिस्काउंट करना है, 10% से डिस्काउंट करना है 45 लाख को, डेट मेक्स इट 33.8091, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है आंसर में, ठीक है। देन ये एक हो गया, एडिशनली ऑल्सो एग्रीड टू पे द को फाउंडर्स अ पेमेंट ऑफ 22 लाख प्रोवाइडेड दे स्टे फॉर 3 ईयर्स, कंडीशनल पेमेंट टू द प्रमोटर्स, कंडीशनल पेमेंट टू प्रमोटर्स को बोला जाता है एम्प्लॉई बेनिफिट, तो इसका अकाउंटिंग नहीं होता, ये PC का पार्ट नहीं होता, अनकंडीशनल PC का पार्ट होता है, नॉट अ पार्ट ऑफ PC। ये इंड एज 19 में गया, सर इस क्वेश्चन में जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तब इसका कोई इंपैक्ट आएगा, नहीं, एम्प्लॉई बेनिफिट में आप 3 साल की सर्विस पे इस एक्सपेंस को बुक करेंगे अक्रूवल बेसिस पे 3 साल में, तो अभी कुछ नहीं करने का, तो दिस पॉइंट इज इररिलेवेंट फॉर दिस कंप्लीट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसका। फिर वो आपको बोलता है सेटल्ड शेयर बेस पेमेंट विच गॉट रिप्लेस्ड, आपने रिप्लेस किया है, 5 ईयर्स का था ये, 2 साल हो चुके थे यानी 3 साल बचे थे, वेस्टिंग पीरियड रिड्यूस टू 1 ईयर, नए वाले का वेस्टिंग पीरियड रिमेनिंग 3 साल थे ना, तो आपने उसको रिड्यूस करके 1 ईयर कर दिया, रिवेन्यू 1 ईयर कर दिया, यानी ओवरऑल अक्यूमुलेटेड अगर मैं बोलूँ तो 5 साल को आपने 3 साल कर दिया, 2 साल हो गए 1 साल और करना, 5 साल को 3 साल कर दिया। रिप्लेस अवार्ड PC का पार्ट होता है, ओरिजिनल अवार्ड का फेयर वैल्यू 6 लाख रुपये, रिप्लेस वाले का 9 लाख रुपये, तो मेरे को ओरिजिनल अवार्ड का फेयर वैल्यू लेना है हमेशा, अगर आपने रिप्लेस ले लिया तो गलत हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ओरिजिनल वाले का फेयर वैल्यू 6 × वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड 2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज हायर, ओरिजिनल 5 रिवाइज 3 विच एवर इज हायर, अक्यूमुलेटेड देखते हैं, ठीक है। तो 2.5 लाख, 4 लाख, ये भी PC का पार्ट है, तो ओवरऑल PC हो गया 148.7091, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी तरह का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो मुझे हाईलाइट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर में बता दीजिएगा, ये तो हम लोग नया रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो देन वी कम डाउन टू नेट एसेट्स,
सेकेंड पार्ट इज़ नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स के बारे में उसने आपको बताया, बैलेंस शीट के अंदर में दिया था, फिर उसने आपको बोला ये देखो पॉइंट मैंने छोड़ा था, फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई 425 लाख्स है, 425 लाख्स। अब अगर आप सामने वाले की बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में यही 500 है, सामने वाले का देखना अपना मत ले लेना, 400 का 425 हो गया ले लोगे, के लिमिटेड को टेक ओवर किया जा रहा है। तो दिस इज 425, मतलब यू हैव रिड्यूस द वैल्यू बाय 75, यू रिड्यूस द वैल्यू बाय 75। इनकम टैक्स में तो 500 पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, यू हैव रिड्यूस द वैल्यू टू 425, पर इनकम टैक्स में तो 500 पे मिलेगा, तो देयर टैक्स बेनिफिट इन फ्यूचर 75 पे एडिशनल डेप्रिसिएशन, टैक्स बेनिफिट इन फ्यूचर, टैक्स बेनिफिट इन फ्यूचर इज डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट। तो ये 75 के ऊपर अपन लोग DTA लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आपको एक और पॉइंट दे रहा है रिगार्डिंग सम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, लॉ सूट पेंडिंग, क्लेम है 70 लाख का जिसका फेयर वैल्यू 7.5 है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नॉट कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नेट एसेट्स के अंदर में माइनस होता है, तो हमने ये दो चीज ली। हमने पहले क्या किया, शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम ले लिया 660, शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम आप लोगों को दिखा देता हूँ, सामने वाले का 450 और 210 दोनों को अगर ऐड किया तो 456, 660 में अपन ने 75 माइनस किया क्योंकि आपने पीपीई की वैल्यू कम की थी, फिर आपने 7.5 माइनस किया कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, नेट एसेट्स निकाल रहे हो ना, और फिर इन दोनों पे DTA बन रहा है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी जब आप पे करोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा, जब आप पे करोगे तब तो डिडक्शन मिलेगा ही ना, तो इन दोनों पे अपन ने 30% से DTA निकाल दिया, डेट मेक्स इट 602। 75 प्लस 7.5 पे 30% इज 24.75, सो 660 माइनस 75 माइनस 7.5 प्लस 24.75 इज 602.25। सर हमने सारे एसेट्स लिखे फिर लाइबिलिटीज लिखी, ऐसा प्रेजेंट करना है कि सिंपल आप जैसा बोल रहे हैं शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम फिर माइनस डिफरेंस इन पीपी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ मैंने वन लाइन में कर दिया, आप एग्जाम में वन लाइन में नहीं कर सकते। नेट एसेट्स के अंदर शेयर कैपिटल इक्विटी दोनों को ऐड किया, लेस डिडक्शन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पीपी, लेस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, एड डिफर्ड टैक्स ऑन द अबव, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 602.25 आ जाएगा। NCI के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, NCI को वैसे कैसे वैल्यू करना है, ऑप्शन इज विद अस, पर आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर तो दिया भी नहीं सामने वाले का, सामने वाले के शेयर के फेयर वैल्यू पे NCI वैल्यू होता है, तो वो भी उन्होंने नहीं दिया, तो अगर उन्होंने नहीं दिया तो मैं प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड से कर रहा हूँ, 602.25 पे 25%, 150.5625। नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर गुडविल बार्गेन परचेज कैलकुलेशन, PC प्लस NCI माइनस नेट एसेट्स, PC 148 हमने निकाला, NCI अभी आपने निकाला 150 माइनस 602 के नेट एसेट, बार्गेन परचेस आ रहा है 302.9784, ठीक है, बार्गेन परचेस आ रहा है, बार्गेन परचेस 302.9784, आई होप यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाना था, तो बैलेंस शीट में PPE ऐड हुआ, इन्वेस्टमेंट्स ऐड हुए, PPE में 425 ऐड हुआ था, इन्वेंट्री एसेट इज ऐड हुई, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट इज ऐड हुए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट इज ऐड हुआ, अदर एसेट्स एसेट इज ऐड हुए, यहाँ तक कि गड़बड़ नहीं हो सकती, गड़बड़ होगी तो होगी यहाँ पे। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम मैंने आपसे स्प्लिट करा दिया था PC निकालते समय, तो PC ध्यान रखिए, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम अदर इक्विटी में जाएगा, शेयर कैपिटल कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। रिप्लेस्ड अवार्ड ESOP भी अदर इक्विटी का पार्ट होता है। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था 33.8091, उसको ले लेंगे प्रोविजन्स में, प्रोविजन है हायर ऑफ देना है, उस बेसिस पे प्रोविजन के अंदर में चला गया, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में गया, ठीक है। बार्गेन परचेस इज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व भी अदर इक्विटी का पार्ट होता है, तो इस तरह से डाल दिया। सर बैलेंस शीट में ऐसा लिखा चलता है, अभी अपने पास एग्जाम में टाइम कम रहता है, ऐसा लिख दिया तो ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट कभी भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ यार एटलीस्ट अदर इक्विटी का तो अलग एक शेड्यूल बनाया करो, अदर इक्विटी का एटलीस्ट, बाकी सबका भले ही बनाओ मत बनाओ, अदर इक्विटी का तो बनाया करो, ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी तो सब सिंपल थे ना, आपने सिंपली ऐड कर दिया, डेफर्ड टैक्स के अंदर में डेफर्ड टैक्स एसेट बना था तो मैंने DTL से माइनस कर दिया, आप अलग से नहीं लिख सकते DTL, अगर आप एग्जाम में अलग से DTL लिखे हैं और DTL यहाँ तो भी मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट वोंट मैच, उस केस में आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ तो मिलेगा यार, पूरे 15 नहीं डिडक्ट हो जाएंगे, कुछ तो मिलेगा, ठीक है। बाकी के बहुत सिंपल थे, बाकी इसमें कुछ नहीं था, मेन कैलकुलेशन था हम लोगों का यही जो हम लोग ESOP निकाल रहे थे, शेयर बार्गेन परचेज कंसिडरेशन में हम लोगों ने जो भी कुछ निकाला, ठीक है। ये 7.5 क्या है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इसको भी प्रोविजन में डाला है, ठीक है। चलो आई होप दिस इज क्लियर, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नवंबर 21 इंड एस कंप्लाइंट कंपनी एंटर्ड इन टू लोन एग्रीमेंट विद बैंक. आपने बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट किया. द लोन इज रिपेबल इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम नवंबर 26. नवंबर 26 से पे करना है, नवंबर 21 में है, तो दिस इज लॉन्ग टर्म लोन. वन ऑफ द लोन कोवेनेंट्स इज लोन अमाउंट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय 4th मार्च. प्रमोटर्स ने भी लोन जितना पैसा 4th मार्च तक के लेके आ जाना है. फेलिंग विद द डिमांड बिकम्स पेबल, यानी लोन विल बिकम पेबल ऑन डिमांड. लोन को इमीडिएट पे करना पड़ेगा अगर आप नहीं लेके आए तो. 4th मार्च कंपनी नहीं ला पाई वो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, डिफॉल्ट हो गया. डिफॉल्ट हो गया तो लोन पेबल ऑन डिमांड हो गया. लोन पेबल ऑन डिमांड हो गया मतलब लोन करंट हो गया, ऊपर नॉन करंट था नीचे करंट हो गया, समझे. 5th मार्च कंपनी अप्रोच द बैंक फॉर अ ग्रेस पीरियड अप टू 30th जून. 30 जून तक का पीरियड मांगा आपने. बैंक कैन नॉट डिमांड इमीडिएट पेमेंट ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड. 30 जून तक डिमांड नहीं कर सकती, सिर्फ 30 जून तक डिमांड नहीं कर सकती. ध्यान रखिए, मार्च एंड हो रहा है, अप्रैल मई जून 3 महीने हम आपसे पैसे डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है. तो क्या होगा इस केस में, हमको क्या करना है, उनका ये पूछना है. ऑन 31st मार्च हाउ विल द लोन बी क्लासिफाइड. लोन करंट है कि नॉन करंट है. अब देखो, देखा जाए तो करंट है, ऑन डिमांड. अब देखते हैं यार, तुम पैसे नहीं मांगोगे पर कब तक नहीं मांगोगे. उस दिन से 3 महीने तक नहीं मांगोगे, 30 जून तक नहीं मांगोगे, प्रोवाइडेड प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया. अपने को क्वेश्चन ने सीधा बोल दिया, अभी बताओ करंट है कि नॉन करंट. अरे तुम मेरे को पहले ये तो बताओ कि प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया क्या. अभी क्लियर नहीं है, मेरे को नहीं मालूम. कुछ नहीं दिया तो आई अज्यूम कि प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया. मैं तो यही सोचूंगा ना कि प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया. तो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया ये दिमाग में रख के तुमने मेरे को सिर्फ 3 महीने का ग्रेस दिया. 3 महीने बाद तो तुम डिमांड करोगे. तो 3 महीने के बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो यार ये तो अभी भी करंट है. 12 महीने तक मेरे को पैसा नहीं लौटाना है, नॉन करंट होता है. 12 महीने से ज्यादा पैसा लौटाने की बात करोगे तो करंट होगा. 12 महीने के अंदर ही पैसा लौटाने का है तब तो मैं उसको करंट ही बोलूंगा ना. तो ये करंट ही है क्योंकि 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया. आई होप दिस इज क्लियर. अभी सेकेंड पार्ट में वो बोलता है, अज्यूम इट मे नॉट बी एबल टू गेट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. यू हैव अप्रोच्ड इन जैन इटसेल्फ. जैन में ही आपने आके बोल दिया सर हम पैसे नहीं ला पाएंगे. उसने बोला ठीक है हम तुमको टाइम देते हैं. कब तक का टाइम दे रहे हैं तुम हमको? 30 जून तक का टाइम दे रहे हो. अब मुद्दा समझो, डिफॉल्ट होता है तो कोई चीज़ करंट बनती है. जब डिफॉल्ट हुआ ही नहीं तो अब ये मत बोलना सर अभी भी तो 30 जून तक का टाइम है, उसके बाद में डिमांड कर सकते. अरे 30 जून तक प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लाने का टाइम है और आपने डिफॉल्ट भी नहीं किया. तो लोन का ओरिजिनल कंडीशन था कि लोन इज नॉन करंट सब्जेक्ट टू प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. अब प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लाया इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा ना यार, लोन तो नॉन करंट ही है. 30 जून तक का टाइम है तुम्हारे पास. पिछले वाले में डिफॉल्ट हुआ था, यहाँ डिफॉल्ट नहीं हुआ. तो इट कंटिन्यूज टू बी नॉन करंट. इट कंटिन्यूज टू बी नॉन करंट. आई होप यहाँ तक के आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है. चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है CSR. इसके बारे में मैं कोई खास डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आनंदम लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर ऑन 1st April 2019 फॉर सेल ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स. द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट इज 3 ईयर. दोनों को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 साल का पीरियड लगेगा. ऑन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आनंदम डेमोस्ट्रेट दैट मशीन एंड स्पेयर पार्ट मीट द एग्रीड स्पेसिफिकेशन. जब कंप्लीट हो जाएगी हम आपको दिखा देंगे. आप देख लीजिए आपने जो स्पेसिफिकेशन दिया है मीट करता है कि नहीं. प्रॉमिस टू ट्रांसफर मशीन एंड स्पेयर पार्ट आर डिस्टिंक्ट. दोनों अलग अलग हैं. रिजल्टिंग इन टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. मशीन अलग है, स्पेयर पार्ट अलग है. 31st मार्च मशीन पे द कस्टमर पेज फॉर मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स. 19 में ऑर्डर हुआ था, 22 में पे कर रहा है. 3 साल हो गए, मशीन मिल गई उसको. बट ओनली टेक्स फिजिकल पोजिशन ऑफ मशीन. मशीन का पोजिशन लिया उसने, स्पेयर पार्ट्स का नहीं लिया. 115 का क्वेश्चन है. ऑल दो कस्टमर इंस्पेक्ट्स एंड एक्सेप्ट द स्पेयर पार्ट. उसने एक्सेप्ट कर लिया पर डिलीवरी नहीं ले रहा है, ठीक है. वो उसी के वेयरहाउस में पड़ा है. कस्टमर है लीगल टाइटल ऑफ स्पेयर पार्ट. लीगल टाइटल किसके पास है? कस्टमर. यानी अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया. एंड द पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बिलोंगिंग टू द कस्टमर. अलग से आइडेंटिफाइबल है कि कौन सा वाला पार्ट कस्टमर का है, तो अपने को वो भी प्रॉब्लम नहीं है. आनंदम स्टोर्स द स्पेयर पार्ट्स इन सेपरेट सेक्शन ऑफ इट्स वेयर हाउस एंड द पार्ट्स आर रेडी फॉर इमीडिएट शिपमेंट एट द कस्टमर्स रिक्वेस्ट. कस्टमर के रिक्वेस्ट पे इमीडिएटली दिए जा सकते हैं. तो अपन ने उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, नहीं. इन शॉर्ट क्वेश्चन वो है. तो हाँ यार, लीगल टाइटल उसके पास है, उसने इंस्पेक्ट कर लिया सब कुछ, ऐसे मेरे पास पड़ा है. इसीलिए थोड़ी ही ना मैं बोलूंगा कि नहीं मैं सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकता. मैं सेल रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ पे रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है. थियरी क्वेश्चन था. अगला पार्ट सी पार्ट. कार्ड लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार लॉक्स नट बोल्ट्स. अब आपको दोनों के बारे में अलग अलग डेटा दिया है, दोनों का रेवेन्यू अलग अलग देखना है. पहला देखिए कार लॉक्स. टिपिकली अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इन टू फॉर सेल ऑफ कार लॉक्स एंड कंसिडरेशन इज रिसीव्ड एट द इवेंट ऑफ डिलीवरी. नॉर्मली क्या होता है, कार लॉक देते हैं, डिलीवरी के समय पैसा मिल जाता है. द कार लॉक कॉस्ट इज 1500, सेलिंग प्राइस इज 1800, 300 का प्रॉफिट है.
टर्म्स प्रोवाइड द कस्टमर फॉर रिटर्न एनी अनयूज्ड लॉक्स विद इन 30 डेज ऑफ फुल रिफंड, पूरा रिफंड दे देंगे 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया तो। इमटेरियल द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द कार लॉक इज इमटेरियल एंड एक्सपेक्ट्स द रिटर्न टू बी सोल्ड एट प्रॉफिट, जो रिटर्न आया वो वापस से प्रॉफिट में बिक जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने 20,000 कार लॉक सेल किए हैं 31 मार्च को, 20,000 कार लॉक्स, तो 20,000 कार लॉक्स इंटू 1800 मैं बोल सकता हूँ आपके पास 360 लाख रुपीज़ आ गए, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके 360 लाख रुपीज़ आ गए। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस कार लिमिटेड एक्सपेक्ट्स 4% ऑफ द लॉक्स विल बी रिटर्न, 4% रिटर्न हो जाएंगे, तो क्या मैं पूरी रेवेन्यू दिखा सकता हूँ? तो ये 115 क्या बोलता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लौटाना पड़ेगा तो लौटाना पड़ेगा तो उसका पैसा चले जाएगा, तो डोंट शो इट एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा, है ना। तो 360 में सेल रिकॉर्ड होगा 345 का, समझा, 1800 इंटू 20,000 इंटू 96%, ये थोड़ा 345.6 लाख है, ठीक है, 345.6 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो कस्टमर लाइबिलिटी के नाम पे पड़ा रहेगा। अगर रिटर्न करना पड़ा तो ये कस्टमर लाइबिलिटी डेबिट टू कैश, और अगर नहीं रिटर्न करना पड़ा तो कस्टमर लाइबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू, ये 30 दिन के बाद डिसाइड होगा, कस्टमर लाइबिलिटी का क्या करना है 30 दिन के बाद डिसाइड होगा, तब तक के रेवेन्यू सिर्फ 345.6 की रिकॉर्ड होगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन्वेंट्री का क्या फिर, तो इन्वेंट्री भी ऐसा पूरी की पूरी डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, ऐसा नहीं होता, मुद्दा समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ वो जो 96% है, 96% उसी को COGS में डालेंगे, क्योंकि रेवेन्यू भी तो उन्हीं की रिकॉग्नाइज की ना, 288, बचा हुआ इन्वेंट्री से इन्वेंट्री हेल्ड विद कस्टमर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1500 फॉर 20,000 इज 30 लाख, 300 लाख, तो 300 लाख में से 288 लाख COGS में गया, और बचा हुआ गुड्स हेल्ड विद कस्टमर बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज जस्ट टू डिस्कस द पेपर, ठीक है, एक आइडिया आ जाएगा। अगर आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा है तो आपको आइडिया आ जाएगा, इफ़ यू आर स्टडिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ये सब बड़ा अजीब लगेगा, तो वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, वीडियो पेपर डिस्कशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने अटेम्प्ट दिया है, ठीक है। 1 April 2021 कार्ड लिमिटेड एंटर्स इनटू 1 year कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू डिलीवर नट्स बोल्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट द प्राइस पर पीस विल बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी रिबेट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम क्यूमुलेटिव वॉल्यूम साल भर में अचीव करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन सेल ड्यूरिंग द ईयर, देर इज नो मिनिमम परचेस रिक्वायरमेंट, कार्ड लिमिटेड एस्टिमेट टोटल सेल वॉल्यूम फॉर द ईयर टू बी 90,000 बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस एंड विद सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट एंड फोरकास्टेड सेल्स, सिमिलर एक्सपीरियंस फोरकास्टेड सेल्स के बेसिस पे एक्सपेक्ट करें कि 90,000 अचीव हो जाएगा कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर से, 90,000 यानी उसको 190 का प्राइस लगेगा। कार्ड लिमिटेड सोल्ड 24,000 पीसेस टू द कस्टमर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर में आपने 24,000 ही सेल किया, अब अगर मैं 24,000 देखूँ तो वो तो फर्स्ट वाले इसमें आ रहा है, यानी आपने उसको बेचा होगा 200 के प्राइस पे, अभी आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर देंगे पर अभी तो 200 का ही प्राइस चार्ज किया होगा ना उसको, तो क्या पूरा 200 रेवेन्यू में डाल दूँ? क्वेश्चन सेज नहीं, आपको पता है आपको 10 रुपये रिफंड करना है, तो आपने 190 की रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, तो 190 इंटू 24,000 रेवेन्यू में जाएगा, 190 into 24,000 रेवेन्यू में जाएगा, बट he has paid you as per 200, तो जो बचा हुआ अमाउंट है 2.4 लाख वो कस्टमर लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा, कैश डेबिट टू रेवेन्यू 45.6, टू कस्टमर लाइबिलिटी 2.4। आई होप दिस इज क्लियर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखा जाए तो देखिए बहुत छोटे 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 आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 April 2021 द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ राज लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट प्लान 20,40,000, इंडिया 19, काफ़ी समय बाद क्वेश्चन है। प्लान एसेट्स मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आप लोग टैबुलेट करके आ जाइए कीजिए एग्जाम में इस तरीके से, तो ओपनिंग आपको DPA का दिया हुआ है 20,40, ठीक है। फिर उसने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन इज 21,25, वो मैंने आपको DBO के कॉलम में दे दिया 21,25, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट फिगर 85,000, बैलेंस शीट में एक ही फिगर दिख रहा होगा 85,000, दैट इज ओपनिंग। अब उसने बोला 31 मार्च रिसीव्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 475। अब ये सब क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हमारे TYK की वीडियोस के अंदर में, हमारे RTP MTP वीडियोस की प्लेलिस्ट के अंदर में, अपने कंपाइलर के अंदर में अपन ने सबके वीडियो लिंक्स भी डाल दिए, तो अगर आप कंपाइलर नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपाइलर भी देख रखा है डाउनलोड करते हैं तो हर क्वेश्चन का वीडियो लिंक मिलेगा जिसमें उसको एक्सप्लेन किया अपन ने सारे के सारे क्वेश्चंस को कि क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब वीडियोज आप लोग देख सकते हैं,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने को क्या बोला है, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन 4,75,000 रुपीज़। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन डीपीए में होता है, तो डीपीए के अंदर 475 बढ़ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डीबीओ में कुछ नहीं आएगा, नेट मैं बोल सकता हूँ कि 475 ऐड हो गया, दोनों का डिफरेंस चल रहा है, डीपीए माइनस डीबीओ इज इक्वल टू नेट, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। पेड बेनिफिट ऑफ 265, मतलब एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के पैसे दिए, यानी डीबीओ ऑब्लिगेशन कम हो गया, बेनिफिट पे कर दिया ना, एंड डीपीए का भी से पैसा निकाला, तो वो दोनों तरफ माइनस होता हुआ दिख रहा है, नेट फिगर इज जीरो, ठीक है। करंट सर्विस कॉस्ट इज 5,10,000, आपको 5,10,000 डीबीओ में दिखेगा, उतने से लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी 5,10 से, बराबर। नेट फिगर इज नेगेटिव, 5,10,000 डीबीओ में ही आएगा सिर्फ, वो डीपीए में नहीं आएगा। इंटरेस्ट रेट 5% दोनों के लिए। अब बाकी सबको 31 मार्च को हुआ लिखा था ऊपर, 31 मार्च बेनिफिट्स पेड कॉन्ट्रीब्यूशन करंट सर्विस कॉस्ट, तो इस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट ओपनिंग पे आएगा। 2040 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 2040 पे 5% 1,02,000, और 2125 पे 5% इंटरेस्ट हो गया 1,06,250, दोनों का नेट है 4,250 का एक्सपेंस जो पीएल में गया, जो पीएल में गया। फिर उन्होंने आपको क्लोजिंग दिया है 2390 और 2720, 2390 का क्लोजिंग, 2720 नेट डिफरेंस इज 3,35,000, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बोलते हैं एक्चुअरियल गेन एक्चुअरियल लॉस। आपको डीपीए में गेन दिखेगा 38,000 का, डीबीओ में लॉस दिखेगा 2,43,750 का, नेट लॉस आप लोगों का हो रहा है 2,05,750, जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखेगा। अब स्टूडेंट्स को आदत होती है 2040 प्लस 475 माइनस 265 प्लस 1,02,000 माइनस 2390, नेगेटिव फिगर दिख रहा है एक्चुअरियल लॉस, ऐसा थोड़ी है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो नेगेटिव तो दिख रहा है मैथमेटिकली, है वो गेन, मुद्दा समझे कि नहीं समझे तो उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस, लाइबिलिटी में सही चल रहा है पर एसेट साइड पे गलत हो जाएगा ऐसा करना, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3A IND AS 19। कुछ नया नहीं, मतलब ये सब क्वेश्चन इतने बार प्रैक्टिस हुए हुए हैं, इतने बार देखे हुए हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ईजिली जम जाना चाहिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन देख के लगना चाहिए हाँ यार ये तो अब भी सॉल्व हो जाएगा। चलो, जीरा लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ टर्म लोन ऑफ 1,080 फॉर कंप्लीट रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, पूरे रिनोवेशन के लिए, IND AS 23। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम वॉज कंप्लीटेड बाय 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक काम हो गया था। एक्सपेंडिचर 910 वॉज इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऊपर जो पैसा लिया उसमें से 910 प्लांट एंड मशीनरी के लिए खर्चा हुआ, ठीक है, बराबर है। एंड बैलेंस वॉज यूज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, बचा हुआ वर्किंग कैपिटल के लिए था। जीरा लिमिटेड कंसिडर्स 12 मंथ टू बी सब्सटैशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, टोटल इंटरेस्ट है 94.4, क्या करना है वो आपको पूछ रहा है, तो सिंपल है 94.4 का इंटरेस्ट है 1,080 पे, 94.4 का इंटरेस्ट है 1,080 पे, तो जितना मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट के पीछे खर्चा हुआ है 910 पे, 79.54 कैलकुलेट कर लीजिए, 94.4 डिवाइडेड बाई 1,080 इंटू 910, इतना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में, बचा हुआ वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, वर्किंग कैपिटल पर्पस वाला कैपिटलाइज नहीं होता है तो वो पीएल में चला जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। अगला, जेम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी अक्वायर्ड 75% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ व्यू लिमिटेड ऑन 30th September 2020, एन एंटिटी रजिस्टर्ड इन US, द फंक्शनल करेंसी ऑफ जेम इज रुपी, जो एक्वायर कर रहा है उसकी फंक्शनल करेंसी रुपी है, और जो दूसरी कंपनी है उसकी फंक्शनल करेंसी USD है। 30th September द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ व्यू, जिसकी USD फंक्शनल करेंसी इज 10 मिलियन USD, उसके नेट एसेट्स अपन ने 75% अक्वायर किया, 75% के लिए व्हाट यू हैव पेड इज 7.8 मिलियन, 7.8 मिलियन USD आपने USD में पे किया, तो अपन USD में अगर कैलकुलेशन देखें तो 75% के लिए यू हैव पेड 7.8 मिलियन, उसके नेट एसेट्स की वैल्यू है 10 मिलियन, 10 मिलियन का 25% इज NCI, NCI इज 2.5 मिलियन, तो PC प्लस NCI माइनस नेट एसेट्स, गुडविल आ रहा है 0.3 मिलियन, गुडविल आ रहा है 0.3 मिलियन, पर ये USD में है, अपनी फंक्शनल करेंसी INR है तो कंसोलिडेशन INR में होगा, तो गुडविल को कन्वर्ट क्या रेट से करेंगे। IND AS 21 बोलता है अगर किसी सब्सिडियरी की फंक्शनल करेंसी कुछ और है, सब्सिडियरी की फंक्शनल करेंसी कुछ और है, तो उसका जो गुडविल आ रहा है ये कैलकुलेशन में, उस पर हमेशा क्लोजिंग रेट लगाइए, क्योंकि आप यहाँ पे F2P रूल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी रूल्स, क्लोजिंग रेट लगेगा उस गुडविल पे। आपको दो रेट दिए हैं, मैं 73.5 के रेट से कन्वर्ट करूँगा उसको, आई होप दिस इज क्लियर, 73.5 के रेट से कन्वर्ट करूँगा, तो जिस दिन अक्वायर किया उस दिन तो 21.45 था, जिस दिन अक्वायर किया उस दिन, उसके बाद जब क्लोजिंग आया ईयर एंड का तो वहाँ पे हम लोग 73.5 का रेट लगाएंगे, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया होगा। अब यही क्वेश्चन में एक और पार्ट इन लोगों ने पूछ लिया, व्यू लिमिटेड सोल्ड गुड्स, व्यू लिमिटेड सब्सिडियरी बेच रही है, ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1.9 मिलियन टू जेम लिमिटेड, सब्सिडियरी ने होल्डिंग को बेचा,
सब्सिडियरी ने होल्डिंग को बेचा 1.9 मिलियन फॉर 3.1 मिलियन, 3.1 मिलियन, तो 1.9 मिलियन कॉस्ट के गुड्स 3.1 में बेच रहे हो, 1.2 मिलियन यूएसडी का प्रॉफिट दिख रहा है व्यू लिमिटेड के बुक्स में, व्यू लिमिटेड के बुक्स में, ठीक है। चलो अब गुड्स है किसकी बुक्स में, जेम लिमिटेड के बुक्स में, किस में दिख रहे हैं वो गुड्स, INR में दिख रहे हैं वो गुड्स, ये समझ में आया ना, गुड्स किस में दिख रहे हैं, INR में दिख रहे हैं वो गुड्स। उस गुड्स में अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, उन गुड्स में अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, तो वो तो दिन के हिसाब से देखेंगे ना यार, वो जो दिन है उसके हिसाब से देखेंगे, जिस दिन आपने सेल किया। अब क्लोजिंग रेट नहीं लग सकता, क्लोजिंग रेट तब लगता जब सामने वाले की बुक्स में यूएसडी में वो गुड्स पड़े होते हैं, यहाँ तो गुड्स INR में पड़े होंगे। तो इसमें बहुत स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, ये क्वेश्चन RTP MTP में है, पर ये वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में होल्डिंग ने सब्सिडियरी को बेचा है उस एंगल से पूछा गया है, तो वहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग टाइप से था, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा अलग टाइप से है। तो अगर आपने गलती से क्लोजिंग रेट लगा दिया यहाँ पे तो गए मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं ओपनिंग रेट के बेसिस पे बोलूँ यहाँ पे 70.5, अब यहाँ 50% गुड्स अनसोल्ड है इसलिए 50% ही अनरियलाइज प्रॉफिट है, 50% इज 0.6, इस पे ओपनिंग रेट लगेगा ना, जिस दिन गुड सेल हुए उस दिन का रेट लगेगा, विच इज 70.5। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कोई जो पॉइंट पे गलती हो सकती है मैंने वो बताने की कोशिश की, ठीक है। अब मेरा प्रेजेंटेशन बहुत शॉर्ट में है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट्स है, आप लोगों का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4A, एक्स लिमिटेड इशूड 1.5 करोर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑन 1st April 2018। द बॉन्ड्स हैव अ लाइफ ऑफ 8 ईयर्स, फेस वैल्यू 10 ईच, ऑफर 5.5% पर एनम इंटरेस्ट पेबल। बॉन्ड्स आर इशूड एट फेस वैल्यू एंड ईच बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इंटू ऑर्डनरी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 8 ईयर्स। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 7% का रेट है, तो हम क्या करेंगे, 1.5 करोर पे 5.5%, 1.5 करोर पे 5.5%, 825,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, ये वाला अमाउंट 8.25 लाख का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उस पे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर ले लेंगे, और ये मैंने ना 15 करोड़ ले लिया है, ये 1.5 करोड़ रुपीस है, थोड़ा सा ना आप लोग इसको चेंज कर दीजिएगा, मैंने 15 करोड़ लिख दिया, 1.5 करोड़, हर एक में एक एक जीरो कम हो रहा है ना, ये थोड़ा सा गलती हो गया कैलकुलेशन में, मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था मैंने गलती से उसको 15 करोड़ पढ़ लिया होगा, आपने भी ऐसा कर दिया होगा तो मार्क्स गए, हाँ ये मेरी गलती है, दिस 1.5 करोड़, तो एक एक जीरो कम हो जाएगा बस, हमने जो भी कैलकुलेशन किया उसमें एक एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस पे पीवी फैक्टर ले लेंगे, तो पीवी आ रहा है 13.6564, बचा हुआ हो गया आपका इक्विटी कंपोनेंट, बचा हुआ हो गया आपका इक्विटी कंपोनेंट 15 - 13.6564, ठीक है। तो प्रोवाइड जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 18-19 to 21-22, 18-19 का ओपनिंग क्लोजिंग पे इंटरेस्ट, 19-20 का इंटरेस्ट, 20-21 का इंटरेस्ट, 21-22 का इंटरेस्ट, पूरा मांगा है, आपने सिर्फ एक साल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, 2 लिखा है एंड नहीं, सिर्फ 2 साल भी नहीं चलेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रॉस 8 ईयर्स, पूरे 8 साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो तो मैंने पूरा टेबल बनाया है, पर मेरा एक जीरो ज़्यादा है तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रॉस एंड गिव अकाउंटिंग एंट्री इफ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड वॉन्ट्स टू कन्वर्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर के एंड में कन्वर्ट कर दिया, फोर्थ ईयर के एंड में कन्वर्ट कर दिया, फोर्थ ईयर के एंड में ये वाला अमाउंट है, अब बिफोर इंटरेस्ट है कि आफ्टर इंटरेस्ट है, आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर, आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर, यानी 14.2377 पे हमारा बॉन्ड दिख रहा है और उसने कन्वर्ट कर लिया, उसमें बायबैक नहीं कर रहे हैं, ये बायबैक वाले क्वेश्चन से कंपेयर नहीं करना, उसने कन्वर्ट कर लिया, तो उस दिन मेरा जो डेट कंपोनेंट दिख रहा है वो 14.2377 दिख रहा है। रही बात इक्विटी कंपोनेंट की, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो इक्विटी कंपोनेंट की वैल्यू आपने 3436 निकाली, वो 1.3436 ही रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो इक्विटी कंपोनेंट है, तो इक्विटी कंपोनेंट और ये डेट कंपोनेंट, ये दोनों अमाउंट, डेट कंपोनेंट डेबिट, इक्विटी कंपोनेंट डेबिट, ये दोनों के दोनों हटके शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उस दिन, ठीक है। उस दिन आप इसे ट्रांसफर कर देंगे, आपको फेस वैल्यू 10 ईच दिया है, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन ऑर्डिनरी शेयर। अब ऑर्डिनरी शेयर्स की फेस वैल्यू नहीं दी है, बॉन्ड की फेस वैल्यू दी हुई है, तो ऑर्डिनरी शेयर की भी फेस वैल्यू 10 मान के आप ये जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री बताऊँ तो जर्नल एंट्री होगा डेट कंपोनेंट डेबिट 1,42,37,700, इक्विटी कंपोनेंट डेबिट 13,43,600 टू शेयर कैपिटल
1.5 करोड़ है ना? वन फिफ्टी लैक्स बचे हुए फिगर को, बैलेंसिंग फिगर को शेयर प्रीमियम में डाल दीजिए। बचा हुआ फिगर, बैलेंसिंग फिगर, उसको शेयर प्रीमियम में डाल दीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाली जर्नल एंट्री यहाँ पे देना है आपको। चलो मूविंग एट, बी आप लोग खुद कर सकते हैं, थियरी क्वेश्चन। 5A पे आते हैं। शगुन लिमिटेड रिसीव्स टू डिफरेंट ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दो ग्रांट्स मिली है। कैश ग्रांट 24 लाख रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2020 टूवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट, 18 मंथ्स का पीरियड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। एक्चुअल एक्सपेंस 30 लाख इन 2021 एंड 2021-22 में 20 लाख। अब ये पैसे मिले 31 मार्च 2020 को, यानी इन द ईयर 1920। 2021 में कुछ खर्चा किया, 2021-22 में कुछ खर्चा किया, और बोल रहा बताओ क्या करना है। अब एक तरफ 18 मंथ लिखा, तो कई सारे स्टूडेंट ने बोला सर हमने 18 मंथ्स में अपोर्शन कर दिया। आई फील इट इज़ रॉन्ग। जब अमाउंट दिया हुआ है कि कितना कितना खर्चा किया, तो अमाउंट के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट के रेशियो में देखिए, पहले साल 24 लाख मिला, मैंने डेफर्ड कंसिडरेशन अकाउंट बनाया, तो डेफर्ड कंसिडरेशन अकाउंट के अंदर 24 लाख क्लोजिंग पड़ा है आपके पास। ठीक है, क्लोजिंग पड़ा है 24 की ओपनिंग। फर्स्ट ईयर में खर्चा 30 हुआ आउट ऑफ टोटल 30 एंड 20, 50 लाख का टोटल खर्चा हुआ। उस रेशियो में मैंने बांटा तो 14.4 इस बार पीएल में गया, पीएल में क्रेडिट हुआ, पीएल में क्रेडिट हुआ। ठीक है ना, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू पीएल, टू पीएल। अब इसमें 9.6 का बैलेंस बचा, 9.6 को आपने नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस बुक कर दिया। तो उन्होंने वही बोला हाउ द ग्रांट शैल बी अकाउंटेड इन द बुक्स। मैंने पूरा का पूरा अकाउंटिंग एंट्री, मैंने तो लेजर बनाया, आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री मैंने बोल दिया। सेम पैटर्न में सेकंड क्वेश्चन बोला, पर उन्होंने बोला पूरा पैसा एक साथ नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा करके मिला है। 5 लाख मिला, फिर 2 लाख मिला, फिर 3 लाख मिला 1920, 2021, 2021-22। और खर्चा इस बार 1920 में भी हुआ 6 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो ऑब्वियसली 6:12:15 के रेशियो में टोटल जो 10 लाख मिलने हैं, टोटल 10 लाख पूरे उसको बांट देंगे। 10 लाख रुपए मिलने थे, जिसमें से पांच पहले मिल गए, तो 10 × 18 का खर्चा अभी हुआ, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 50। ठीक है ना, आप पूरा ऐड करेंगे तो 50 हो रहा है। 6 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 1920, मेंटेनेंस पे 12, 18, 15, 18, 28, 33 और 17, 43, 50। ठीक है, 50 लाख रुपए का खर्चा, तो उसमें से 18 लाख फर्स्ट ईयर में खर्च हो गया मेंटेनेंस, और ये मिला क्या 18 बाय 50, 3.6 फर्स्ट ईयर में डेफर हो गया, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू पीएल। 1.4 बचा 5 में से, नेक्स्ट ईयर आपको और 2 मिल गए तो 3.4 हो गया, 10 × 15 का खर्चा हुआ नेक्स्ट ईयर बाय 53 डेफर्ड कंसिडरेशन, 3 डेफर्ड कंसिडरेशन, 0.4 बचा, 0.4 के बाद में 3 और मिले, 3.4 पूरा का पूरा हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो डिफरेंस बिटवीन द टू वॉज, फर्स्ट वाले में पूरा पैसा स्टार्टिंग में ही मिल गया था, 2 साल में डेफर हो रहा था इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस। सेकंड वाले में थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिला। ये वाला जो सेकंड वाला है, ये आरटीपी में आपकी टीवाईके में दिया हुआ है, टेस्ट या नॉलेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से पूछा गया है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। अगला देखिए, ब्लैक लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत हुआ है, मेरे को भी लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है शायद, देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉलोइंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च आर प्रोवाइडेड। 3 दिन के डेट दिए, 31 मार्च 2021, 30 सितंबर 2021, 31 मार्च 2022। ब्लैक लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द बिजनेस ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर बेचना है। मीट्स द कंडीशन ऑफ डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, यानी इंडियाज 105 में क्लासिफाई हो सकता है। हाउएवर नॉट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इस बात से हमको फर्क नहीं पड़ता। प्रपोज टू सेल द डिस्पोजल ग्रुप फॉर 26 लाख, उस दिन अपने प्रपोज किया 26 में बेचने का। कॉस्ट टू सेल है 200, यानी 25,800 में सेल हो रहा है, 25,800 में सेल हो रहा है। अब 25,800 में सेल हो रहा है, मैं 30 सितंबर की अगर नेट एसेट वैल्यू देखूँ तो 29,890 नेट एसेट ना, सारे देखेंगे, ऐसा थोड़ी कि जो एसेट 105 में क्लासिफाई होते हैं सारे के सारे। तो नेट अपने को लग रहा है यार 29,890 नेट एसेट्स की ऑडिटेड वैल्यू है और कैरिंग अमाउंट है, और रिकवरेबल अमाउंट है 25,800, सो देयर इज अ लॉस, देयर इज अ लॉस। 29,890 था ना, हाँ 29,890, 25,800, देयर इज अ लॉस ऑफ 40,90। 105 के हिसाब से ये लॉस सिर्फ एट्रीब्यूट हो सकता है 105 वाले एसेट्स को, मतलब किसको, गुडविल को, इंटेंजिबल एसेट्स को, FVOCI को नहीं हो सकता, PPA को हो सकता है, DTA को नहीं हो सकता, करंट एसेट्स को नहीं हो सकता, करंट लाइबिलिटीज को नहीं हो सकता।
पहले गुडविल राइट ऑफ कर दिया पूरा 2560, पहले गुडविल राइट ऑफ कर दिया, बचा हुआ अमाउंट 1530, 1530 को इंटेंजिबल एसेट और पीपीई में प्रोपोर्शनेट, उनकी जितनी वैल्यू है, उनकी जितनी वैल्यू है 11080 और 18670 29750 के रेशियो में बांट दिया, 29750 के रेशियो में बांट दिया। डेट इज़ वॉट इज डन हुई है, 1530 इंटू 11080। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपको लगा तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। मुझे लगता है अपन ने सही किया, इतना इतना बांट देना है। अब इतना इतना बांटने के बाद इतना इतना माइनस हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 570 और 960, इसमें से 570 और इसमें से 960, सही बोल रहा हूँ, नहीं उल्टा लिख दिया ना, अरे यार, इसमें से 960 और इसमें से 570, इतना इतना माइनस हो जाना चाहिए, सही लग रहा है। अब नेक्स्ट ईयर इन्होंने बोला 31st March देर हैज बीन नो चेंज इन प्लान टू सेल, स्टिल एक्सपेक्ट्स कि एक साल के अंदर बिक जाएगा, 105 की क्राइटेरिया है कि एक साल में बिक जाना चाहिए। फेयर वैल्यू द डिस्पोजल ग्रुप हैज नॉट बीन ट्रेडिंग वेल एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 19738। अरे यार 19738 तो सही है, यहाँ आप नेगेटिव लेके चले गए, और यहाँ से यार ये इंटेंजिबल एसेट और पीपीई कहाँ चला गया, माइनस होने के बाद बचा हुआ तो दिखना चाहिए था ना, वो कहाँ गया, तो बड़ा अजीब है। मतलब हैव यू सोल्ड इट, ये पार्ट को लेके मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि अब मैं उस 19738 का क्या करूँ। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको मांग रहा है, यू आर आस्ड टू वैल्यू एसेट लाइबिलिटी ऑन डिस्पोजल ग्रुप ऑन 30th September 21, तो वो तो कर लिया, पर 31st March 22 मैं कैसे करूँ यार, मेरे को बड़ा अजीब हो गया, क्योंकि आप नेगेटिव एसेट्स बोल रहे हो, रिकवरेबल अमाउंट तो पॉजिटिव है, तो क्या ये दोनों एसेट बिक गए, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है इंटेंजिबल एसेट्स और पीपी, हैव यू सोल्ड इट, तो ये बिक गए हैं, तब तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है, पर आप बोल रहे हो पूरा डिस्पोजल ग्रुप का वैल्यू 19,000 समथिंग है, तो आई डोंट फील कि ये सेल हुए, आई फील इंस्टीट्यूट यहाँ पे फिगर देना भूल गई, तो बड़ा अजीब सा हो गया है यहाँ पे। तो मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके आना चाहिए माइनस 570 करके, ये बोल के कि हाँ यार यहाँ पे एसेट की वैल्यू 10510 है, और 18670 माइनस 960 यहाँ पे वैल्यू 17710 है, फिर नेट एसेट वैल्यू निकालना चाहिए 10510 प्लस 7, यानी ये 10510 प्लस 17710 माइनस वो जो आपका नीचे नेगेटिव फिगर दिख रहा है 5660 विच इज़ द नेट वैल्यू 22560, और फिर इस 22560 को इस 19738 से कंपेयर करके फर्दर इम्पेमेंट लॉस बुक करना चाहिए। मतलब स्टूडेंट ऐसा करेगा क्यों, वो मेरे को कोई रीज़न नहीं दिखता, स्टूडेंट तो ये बोल देगा रिकवरेबल अमाउंट इज मोर हैंस छोड़ देगा, तो वैसे तो सही आंसर यही होना चाहिए कि यार यहाँ पर नेगेटिव बोल रहा हो पॉजिटिव में हम बिद देंगे, तो हो गया कुछ नहीं करने का है, 105 के हिसाब से जो भी है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच लोअर पे रहता है तो कॉस्ट पे ही रहने दो, कैरिंग अमाउंट पे रहने दो, बट आई थिंक ये होना चाहिए। अभी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, अब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आएगा तब समझ में आएगा, तब तक के तो नहीं समझ में आएगा, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, मेरे को लगता है कि टाइपिंग यानी इंस्टीट्यूट की तरफ से दो फिगर लिखना छूट गया है, खैर कोई नहीं, पर टोटल भी फिर होना चाहिए था ना, तो टोटल भी ऐसा मैच नहीं होता हुआ दिख रहा है, चलो कोई नहीं। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला वाला। गोल्ड लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 31st March एवरी ईयर, 1st April इट हैज इशूड 10 lakh ऑर्डनरी शेयर्स, 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अमाउंटिंग टू ₹1 lakh, द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन बीइंग 120 ऑर्डनरी शेयर्स फॉर एवरी ₹100। तो आपको बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 31st March को 10 lakh ऑर्डनरी शेयर्स इशू किए हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए हैं 1 lakh रुपीज़ के, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 120 ऑर्डनरी शेयर्स में, 30th June को ऑलरेडी 50,000, यानी 3 महीने बाद, TY के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ये क्वेश्चन आया है, 30th June 2021 ₹50,000 बॉन्ड्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्डनरी शेयर्स, इसमें से ₹50,000 के आपने ऑर्डनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 इज 2,50,000 रुपीज़, तो इसमें से 2,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है और एप्लीकेबल टैक्स रेट है 25%, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन बेसिक EPS निकाल लेंगे, 2,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, शेयर्स आपके 10 lakh ऑलरेडी थे, 50,000 रुपीज़ के कन्वर्ट किए, 50,000 रुपीज़ के कन्वर्ट किए, है ना, कितने शेयर्स में कन्वर्ट हुए, उन्होंने बोला फॉर एवरी 100 कन्वर्टेड इनटू 120 शेयर्स, यानी 60,000 शेयर्स ये कन्वर्ट हुए 30th June, यानी ये 9 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे,
9 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे, शेयर्स हो गए 10,45,250 डिवाइडेड बाई 10,45,000 बेसिक ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए पहले तो प्रॉफिट के अंदर में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो बचे हुए 50,000 पे इंटरेस्ट पूरे साल का, और ये जो 50,000 कन्वर्ट हो गया इस पे पहले 3 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि पहले 3 महीने आपने इंटरेस्ट पे किया था उस पे, है ना, वो ऐड हो जाएगा पर पोस्ट टैक्स, इसीलिए इंटू 75% दिखेगा इस पे, 25% टैक्स रेट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। शेयर्स 10,45,000 थे, 60,000 शेयर डाइल्यूटेड ईपीएस वाले, बचे हुए 50,000 के जो कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा बस ये ध्यान में रखना है कि जो ऑलरेडी 60,000 आपने कन्वर्ट कर दिया, वो भी पहले 3 महीने के इंक्लूडेड नहीं थे, तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट रहेंगे, पहले 3 महीने के कन्वर्ट नहीं हुए थे इसलिए वो पहले 3 महीने के डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो 11,20,000 उसके बेसिस पे आपको डिप्स मिल जाएगा, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमने इंडिया 33 के टीवाई के वीडियोस के अंदर में डिस्कस करके रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 6A, 6,800 अनकोटेड शेयर्स है आपके पास, अनकोटेड शेयर्स है, शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 10 ईच, मेंटेनेबल प्रॉफिट 28 लाख पर ईयर, आपको पी दिया हुआ है 12 का बिफोर एनी मार्केटिंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो आपका मेंटेनेबल प्रॉफिट 28 लाख है, पी अगर 12 है, तो अगर मैं कंपनी वैल्यूएशन की बात करूँ इंडिया 33 के हिसाब से, तो 336 लाख हो गए। आपको आपके शेयर्स का वैल्यूएशन करना है जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट एस्टिमेट किया है लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी का 18% डिस्काउंट, 18% डिस्काउंट, तो 18% डिस्काउंट कम कर देंगे, 18% डिस्काउंट कम कर दिया तो 275.52 लाख फॉर 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर, तो एक शेयर का वैल्यू मैंने निकाला है 137.76 एक शेयर का। आपको टोटल शेयर्स का वैल्यू पूछा है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6,800 से, तो इंडिया 113 का एकदम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, अगेन फ्रॉम टीवाई के बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो गया था, अगर आप मेरे कोई भी वीडियोस देखेंगे, स्टूडेंट जब भी इसका क्वेरी पूछते थे तो मैं वो क्वेश्चन कटवा देता था। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है क्वार्टरली इंटरेस्ट और 6 मंथली पेमेंट का, पर उसमें EIR कैलकुलेशन बोला है, डिटरमाइन EIR कैलकुलेशन, तो मैं हमेशा वो क्वेश्चन कटवा देता था, स्टूडेंट्स को बोलता था मत पढ़ा कीजिए। इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चन पूछ लिया पर EIR के एंगल से नहीं पूछा, इंस्टीट्यूट ने पूछा कि बताओ इंटरेस्ट इनकम कितनी बुक होगी हर साल और किस तरह से रीपेमेंट शेड्यूल बनेगा, यानी EIR दे दिया उन्होंने। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में वो क्वेश्चन EIR के एंगल से है, यहाँ देखेंगे तो 16.6% इसके बेसिस पे। अब देखिए, तो एक क्वेश्चन तो मैं मेरी तरफ से बोलूंगा कि अपन ने हमेशा स्टूडेंट्स को मना किया है, ये अपनी गलती है, पर ठीक है, EIR के एंगल से मना किया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया मंथली बेसिस, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, सॉल्यूशन बहुत इजी है। 20,000 का FD है, इस पे प्रोसेसिंग फीस 1,000 पे किया था, यानी बुक्स में अकाउंट हुआ 19,000 पे, 19,000 पे। लोन रीपेएबल है 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 5,000 ईच, ये पेमेंट शेड्यूल हो गया, 5,000 हाफ ईयरली पे होगा। अब जो इस पे इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है, पर पे हो रहा है क्वार्टरली, 12% पर एनम है, क्वार्टरली रेट 3% हो गया, तो 3% के बेसिस पे अपने को इसका अकाउंटिंग करना है। तो अगर आप देखेंगे टेबल, पहला 19,000 पे 16.6 अफेक्टिव इंटरेस्ट है, आप पे कर रहे हो 12% हो गया कूपन रेट, तो कूपन रेट 20,000 पे 3% 600 का पेमेंट होगा फर्स्ट ईयर में, ये कूपन रेट हो गया, दिस पेमेंट आप 16.6 पे करोगे, सो 16.6 डिवाइडेड बाय 4 इज 4.15% पे आप इंटरेस्ट लोगे 19,000 पे, तो 19,000 पे हो रहा है 788.5, 600 का पेमेंट हुआ, तो क्लोजिंग हो गया 19,188, ये ओपनिंग हो गया नेक्स्ट क्वार्टर का 19,188, 19,188 के ऊपर में अगेन इंटरेस्ट 4.15% पे, पर अब जो पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है एक क्वार्टरली और फिर हाफ ईयरली आया ना, हाफ ईयरली आया, हाफ ईयरली 5,000 का पेमेंट हो रहा है, तो 5,000 का पेमेंट एंड इंटरेस्ट दोनों मिला के 5,600, ये पेमेंट के बाद क्लोजिंग है, क्लोजिंग पे अगेन 4.15। ये ध्यान रखना है कि अब आपका जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो कितने अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है, कैश फ्लो कितने पे कैलकुलेट हो रहा है, कैश फ्लो कैलकुलेट अब 20,000 पे नहीं होगा, 14,384 पे भी नहीं होगा, 15,000 पे होगा, 15,000 पे 3%। मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एकदम बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल क्वेश्चन है कूपन रेट बेसिस पे, बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग RTP MTP सेशंस लेंगे उस समय। तो 3% किस पे हो रहा है, 15,000 पे हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर और 5,000 पे हुआ, अब 10,000 पे 3%, यहाँ पे आपको दिखेगा 10,000 पे 3%, फिर 5,000 पे 3%, बाकी ये वाला जो इंटरेस्ट है ये तो हमेशा ओपनिंग पे ही कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा टेबल बना के आना था, ठीक है। चलो
मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ लिमिटेड ओन्ड अ लैंड प्रॉपर्टी हुज फ्यूचर यूज इज नॉट डिटरमाइंड ऑन 31st मार्च. हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड इन द बुक्स? नॉट डिटरमाइंड है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ये सेम क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में भी पूछा गया था, तो पिछले अटेम्प्ट से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है. अब अगर आप पिछले 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन देखेंगे इंस्टीट्यूट के, तो इंस्टीट्यूट एक प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है कि एक अटेम्प्ट पहले का क्वेश्चन अगले अटेम्प्ट में पूछ रहा है. पिछले 3 अटेम्प्ट से हो रहा है, इस अटेम्प्ट में, इसके पहले वाले अटेम्प्ट में और उसके पहले वाले अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट पहले का क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करके पूछा है. इससे पहले एक बार एक एम्प्लॉइज वाला पूछा था, एम्प्लॉई को स्टाफ लोन दिया था. उसके बाद मॉडिफिकेशन वर्सेज एक्सटिंग्विशमेंट वाला क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट रिपीट हुआ, अब ये वाला रिपीट हुआ. इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है. इंडियस का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो करंट नॉन करंट वगैरह सबका एरर इन बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कंटिन्यूस रिपीट हुआ था. मतलब ऐसा आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स में दिखेगा. तो अब इंस्टीट्यूट ये प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू कर दिया है कि एक अटेम्प्ट पहले का क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे. तो ये वाला है. तो इसमें फिर वो बोलता है बाद में हमने इस पर कंस्ट्रक्शन यूज़ किया, स्टार्ट किया, तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? तो नहीं, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाता है. वो सारी की सारी बातें बताई गई है. लास्ट क्वेश्चन, RST prepares consolidated statement on 31st March. On 1st July, RST acquired 75% shares of DHF. The issued shares of DHF is 120. ये overall shares है, आपने 75% acquire किया. अब आपने 2 share for every 3 shares acquired दिया, तो 120 lakh shares, 2 share और 3 share के बदले 75% multiply करना याद रखिए. The market value of RST is 6.5. तो RST का ही लेना है, दूसरे वाले का नहीं लेना है. तो 75 मल्टीप्लाई करना याद रखना है. तो हो गया 390. ठीक है, 30th June 2022, कब? आज से एक साल बाद. इस दिन से एक साल बाद 30th June 2022 यू विल मेक अ कैश पेमेंट ऑफ 7150, डिस्काउंट रेट 10%. तो 71.5 को 10% से डिस्काउंट करेंगे, दैट मेक्स इट 65 लाख. ये पीसी का पार्ट है. 30th June 2023, 2 साल बाद कैश पेमेंट करोगे टू द फॉर्मर शेयर होल्डर्स हुज शेयर्स वर सोल्ड ऑन 1st July 2021. पेमेंट इज कॉन्टिंजेंट अपॉन कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन प्रॉफिट ग्रोइंग ओवर 15%. ऑन 1st July द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इज 250. ये आपके कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा. ठीक है, 250 लाख. ओके, 31st मार्च ईयर एंड की फेयर वैल्यू 220 लाख दी हुई है. FVTPL अकाउंटिंग होती है कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन की, डिफरेंस PL में जाता है इन द फॉर्म ऑफ गेन. तो 1st जुलाई, अच्छा इसको डिस्काउंट नहीं करना है, ध्यान रखेंगे. 1st जुलाई आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 6 करोड़ है. ऑन 1st जुलाई फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज 7 करोड़. कैरिंग अमाउंट 6 करोड़ है, फेयर वैल्यू 7 करोड़ है. डेफर्ड टैक्स 20% है, वो 1 करोड़ के डिफरेंस पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा. ठीक है, तो 700 लाख माइनस 20 लाख, 680 लाख. ठीक है, 31st मार्च इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल 12.5%. तो गुडविल तो हम निकाल लेंगे. कंप्यूट इम्पेयरमेंट ऑन गुडविल अंडर द मेथड्स परमिटेड बाय इंडियस 103 टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. मतलब NCI को दोनों मेथड से वैल्यू करना है, प्रोपोर्शनेट एसेट भी है ना, और प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड भी और फेयर वैल्यू मेथड भी. तो परचेज कंसिडरेशन तो दोनों में सेम रहेगा, पीसी इज नॉट चेंजिंग. बराबर, 250 लाख, 65 लाख एंड 390 लाख, 705 लाख. बराबर, नेट एसेट्स आर नॉट चेंजिंग, दोनों केस में नेट एसेट 680 पे ही रहेंगे. NCI प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड 680 का 25% 170 लाख, और फेयर वैल्यू मेथड में 120 लाख शेयर्स का 25% और एक शेयर का फेयर वैल्यू आपको दिया हुआ है सामने वाले के शेयर का फेयर वैल्यू 5.5. अगर आपने गलती से यहाँ 6.5 ले लिया है तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा. आपने गलती से यहाँ भी 3/2 अगर कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, तो 705 प्लस 170 माइनस 680, 195 का गुडविल. 705 प्लस 165 माइनस 680, 190 का गुडविल. 12.5 का इंपेयरमेंट लॉस है, दोनों में सिंपली 12.5% ले सकते हैं. 195 का 12.5% इंपेयरमेंट लॉस, 190 का 12.5% इंपेयरमेंट लॉस. फर्क क्या रहेगा? प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड में ये पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ कंसो PL में जाएगा.
जबकि फेयर वैल्यू मेथड में ये जो हमारा इंपेयरमेंट लॉस है 12.5% जो आप निकालेंगे वो होल्डिंग और एनसीआई कंसो पीएल और एनसीआई दोनों में 75-25 के रेशियो में बढ़ेगा। पार्शियल गुडविल मेथड, टोटल गुडविल मेथड जो बहुत डिटेल में हमने इंडिया 36 के वीडियो में डिस्कस करके रखा है, तो सब कुछ यूट्यूब पे बहुत डिटेल में डिस्कशन यूट्यूब पे हुआ हुआ है। यहाँ बहुत स्पीड में हमने पूरा का पूरा एक एनालिसिस किया जस्ट फॉर पेपर चेकिंग, जिन लोगों ने पेपर सॉल्व किया उन लोगों के आइडिया के लिए। अगर आप नवंबर 22 स्टूडेंट और सोच रहे हैं चलिए यार क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो से, तो ये वीडियो इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको आरटीपी एमटीपी वीडियोस देखना पड़ेगा, टीवाई के वीडियोस देखना पड़ेगा। आरटीपी एमटीपी वीडियोस को कंपाइलर में हमने इंक्लूड कर दिया है, क्वेश्चन वाइज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टीवाई के क्वेश्चन की पूरी प्लेलिस्ट मैंने नीचे वीडियो में शेयर करके रखी है, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। और आप पेपर देख लीजिए, आपको सब क्वेश्चन लगेंगे हाँ यार ये तो टीवाई के में था क्वेश्चन, तो टीवाई के से ही पूरा का पूरा पेपर पूछा गया है, ठीक है। सो आई होप द वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल, आप लोगों को आइडिया मिला होगा पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखें आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप लोगों को फास्ट ट्रैक बैच परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से परचेस किया जा सकता है, जिसमें बहुत डिटेल डिस्कशन हमारा हर चीज़ का किया हुआ है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।